राजधानी दिल्ली में एमसीडी के अस्पतालों में आरडीए यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हड़ताल पर है। सैलरी की मांग को लेकर के हड़ताल चल रही है और अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल कस्तूरबा अस्पताल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो प्लेकार्ड्स लेकर के खड़े हुए हैं कि रिलीज आवर सैलरीज एंड सेव आवर फैमिलीज, यानी कि इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है 3 महीने से और डीए भी नहीं मिला है, तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्योंकि हर साल इसी तरह से डॉक्टरों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है लेकिन हर बार यही समस्याएं आती हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील से। सर, क्या है पूरा मामला? पिछली बार भी जहाँ तक मुझे याद है इस तरह से हड़ताल हुई थी, आश्वासन भी दिया गया था, फिर से हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो स्ट्राइक करते नहीं है, करवाया जाता है और ये ऐसा जो है पिछले 5-6 साल से चला आ रहा है, ये मतलब यहाँ ट्रेंड बन चुका है। और जब तक हम लोग जो स्ट्राइक नहीं करते हैं सैलरी मिलती नहीं है, तो इस बार भी पिछले साल की तरह जो गेम खेला जा रहा है हमारे साथ। और पिछले बार जो हमारे जो मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो सैलरी है वो जो मतलब जो है आगे से आप लोगों को टाइम पे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब जो दिया गया आश्वासन हम लोगों ने माना और स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन फिर से हम लोग के साथ वही मतलब सिचुएशन अभी हो गया है। और जो पिछले 2 महीने से हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया था लेकिन फिर हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर्मचारियों को राहत देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए डीए जो रिवाइज करते हैं, लेकिन एमसीडी में भी जो है बीजेपी का ही मतलब रूलिंग पार्टी है। और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो डीए रिवाइज करते हैं और उनके ही कुछ लीडर जो एमसीडी में रूलिंग पार्टी हैं वो जो है रिवाइज डीए को जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के साथ धोखा है और प्रधानमंत्री की जो छवि उनको भी खराब किया जा रहा है। तो अभी 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 आप देखिए तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कब से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, डीए नहीं मिला है और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? जुलाई से डीए बढ़ गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स आ गए थे बट हमारी सैलरी में वो इंक्रीज नहीं आया है और हमें सितंबर से सैलरी नहीं मिली है, तो हमें भी अपने घर चलाने हैं, हमें भी सैलरी चाहिए, उसके लिए हम भी कितना टाइम मुफ्त में काम करेंगे। तो त्योहार का वक्त रहा है मैम, अभी नवंबर बीत रहा है, त्योहार तमाम त्योहार रहे, उस वक्त आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, कैसे चल रहा है सैलरी के बिना? यही तो मुश्किल होती है जब सैलरी टाइम पे आती नहीं है। हमें त्योहारों भी हमें बहुत मामूली तरीके से बिताने पड़ते हैं, जैसे रेंट हो गया घर का देना, ईएमआई हो गया कार्ड के, ये देने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। तो देखिए, आप ये सुन रहे हैं कि 3 महीने से सैलरी नहीं आई है और ये प्लेकार्ड्स लेकर के डॉक्टर्स खड़े हैं। इसेंशियल सर्विसेज में जो डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, उनको इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। मैम, अभी तक अथॉरिटीज से कुछ बात हुई है, कुछ रिस्पॉन्स आया है? अभी तक कोई अथॉरिटीज से बात नहीं हुई है, ना कोई सॉल्यूशन मिला है हमें। हर 4-5 महीने से हमें बोलना पड़ता है, नोटिस उनको पहले दिया जाता है कि हमें सैलरी इतने महीने से हमें नहीं मिल रही है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद भी कुछ सुनते नहीं है और फिर वापस से हमको यही कदम उठाना पड़ता है। 1 महीने की सैलरी रिलीज होती है, उसके बाद में फिर वही हो जाता है, फिर नहीं आती है सैलरी, 1 महीने की सैलरी दे के बस फिर ख़त्म। मैम, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही जब इस तरह से बार बार सैलरी रुक जाती है? तो पहली बात तो ये है कि सैलरी उनको खुद देना चाहिए, हम हर बार क्यों मांगे, हमारा हक का पैसा, हम काम कर रहे हैं वो हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें हर बार लड़ना क्यों पड़ता है? हर बार 2-3 महीने बाद एक बार लड़ो तो पैसा मिलता है, ये तो उनकी सोचा है। फेस्टिवल था दिवाली जैसा बड़ा फेस्टिवल सबके लिए, उसमें भी आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो इससे गंदा काम क्या हो सकता है? आप अपने घर के दियो रोशनी कर रहे हो, दूसरों के घर में अंधेरा कर रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है? तो आपने सुना इन डॉक्टरों को जिनका कहना है कि 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है, डीए नहीं मिला, और खासतौर से परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि त्यौहार बीता है, त्यौहार के वक्त में भी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टरों का ये कहना है कि हर साल इसी तरह से हड़ताल करनी पड़ती है, हर 4-5 महीने पर हड़ताल करना पड़ता है लेकिन फिर से आश्वासन दे करके भी सैलरी रोक दी जाती है और बार बार इस तरह से करना पड़ रहा है। और किसी एक अस्पताल की बात नहीं है, हिंदूराव अस्पताल में भी इस वक्त हड़ताल चल रहा है, कस्तूरबा में भी, और आगे नर्सेस भी हड़ताल की चेतावनी दे चुकी हैं, यानी कि जो इसेंशियल वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें अपनी सैलरी के लिए इतनी लड़ाई करनी पड़ती है, वो भी एक बार नहीं बार बार होती है, लेकिन अथॉरिटीज के कान पर जू भी नहीं रहती। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।